आज का सुविचार, अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और किसी के साथ हो तो जुबा पर काबू रखो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। अभी मैं जस्ट तैयारी करूँगा दुकान पर जाने के लिए और मैंने सोचा था कि बाइक को भी धो लेता हूँ मैं क्योंकि बाइक हो गई काफ़ी गंदी। और ये देखो हमारे घर पर कौन आ गए, ये कुत्ते अंडेरू कुत्ते हैं, ये देख सकते हैं आप। खेतों में गांव में इस तरह कुत्ते घूमते रहते हैं, देखो इधर ही नहीं रहा है, देखो भाग भी रहा है मेरे साथ। बाइक काफी गंदी हो चुकी है, मैं इसको धोने के लिए सोच रहा था लेकिन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं पहले से काफी लेट हो चुका हूँ। तो चलते हैं जल्दी सी और दुकान पे पहुंचते हैं क्योंकि त्यौहार का सीजन है, दीपावली आने वाली है, तो जल्दी दुकान खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमने खेत को भी बवा दिया है ट्रैक्टर से, देख सकते हैं आप बिल्कुल, ये देखिए। और मेरी माँ है वहाँ पे, कुछ कर रही है शायद, वो पेड़ों के पीछे दिखाई दे रही होगी आपको थोड़ी सी। तो मेरी माँ तो नहीं आई अभी, तो मैं नहा लेता हूँ जल्दी से चल करके। तो एक दादा है हमारे घर पे, देख सकते हैं आप, मतलब मैंने अपने दादा को कभी नहीं देखा तो हम तो इनको भी देख लेते हैं। अब ये कह रहे कि मैं बैठूंगा धूप में, तो इनको कुर्सी दे दी है, बैठो। हाँ तो जाडो है ना, हाँ जाडो हो और के तो मेरे पापा के इंतजार में बैठ गए, पापा गए बच्चों को छोड़ने के लिए। सो गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार दुकान पे जाने के लिए और ये कनक भी है मेरे साथ, ये भी कह रही मैं भी चल लूंगी। कहाँ चलेगी? दूर जी जी, तो स्कूल में गई। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी दुकान पे, मैंने साफ सफाई भी कर ली है सारी। और बाहर एक सिस्टम देखने को मिल रहा है मुझे आज, वो ये है कि मेरी जो बगल में शॉप है वो है खाद बीज की, उस पे ना कल खाद आया था DAP। तो बाहर इतनी ज्यादा भीड़ जमा है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन एक बार ये देख सकते हैं आप कितनी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे, ये व्हीकल खड़े हैं मेरी, ये व्हीकल खड़े हैं मेरी दुकान तक। देखो किस ट्रैक्टर कहाँ कहाँ लगा रखे हैं लोगों ने, और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है। पता नहीं लोग इतना खाद का क्या करेंगे, दूर दूर तक देख सकते हैं आप। तो इस तरह का कुछ माहौल बना हुआ है, कोई तो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये क्या कर रहे हैं। लेडीज भी आई हुई हैं, आदमी भी आए हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं भीड़ जो है ना बढ़ती जा रही है, ये एक माँ जी तो यहीं आकर के बैठ गई, कुछ लोगों ने कट्टे आ रख दिए, ये देखिए। कट्टे जो है ना मिलने स्टार्ट हो गए हैं और भीड़ भी बढ़ चुकी है, देखिए कैसे ला ला कर मेरी दुकान के सामने ही रख रहे हैं लोग। पता नहीं अब की बारी DAP के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतने ज्यादा कट्टे नहीं मिल रहे क्या, पता नहीं क्या बात है, सरकार क्या कर रही है। काफी जबरदस्त भीड़ है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तो ये सिलसिला शायद दोपहर तक तो चलने वाला है। तो भाई यहाँ पे खाद ले रहे थे, यहाँ पे हो गई है लड़ाई थोड़ी सी, देख सकते हैं आप, शटर वगैरह कर दिए हैं बंद। भाई
और 5 किलो ही होती। नानी का तो घरे लिए गर्मी खराब नहीं ना ना का घर वाले 5 किलो ही लाए। ले ले इसे बांधो के घुमाई पे नहीं ना तो घुमा चलो बाल में पड़ाई सो गाइस, मैं आ गया था घर पे खाना खाने के लिए और खाना पीना तो हो चुका है। मेरा भाई भी अभी आया है 2 दिन में। मेरी कनक देखो मेरे आगे आगे, रुक रुक कनक रुक रुक जा। आ जा। तो गाइस मैं जा रहा हूँ दुकान के ऊपर और गाड़ी लेकर के, और साथ है मेरी माँ। लेकिन मेरी माँ दुकान पे नहीं जा रही, मेरी माँ जा रही है किसी के घर पे, रास्ते में उनका घर है तो मैं छोड़ दूंगा, कुछ काम है मेरी माँ को। तो आज मैं काफी दिनों के बाद गाड़ी चला रहा हूँ, लगभग 15-20 दिन तो हो गए ना, 15-20 दिन बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छी लग रही है चलाने में, तो चलते फिर और पहुँचते जल्दी से दुकान पे, क्योंकि काफी देर हो गई मुझे आए हुए। तो गाइस मैं तो काफी दिनों बाद आया इस रोड पे। ये रोड जो बन रहा था, मतलब देख सकते हैं आप, इसको तो बिल्कुल उखाड़ दिया गया, बिल्कुल खराब कर दिया है, लेकिन अब नया बन जाएगा ये। और मेरे को तो पता ही नहीं था इतनी खराब हालत है, नहीं तो मैं इस साइड से आता ही नहीं। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल हालत इसकी, काफी टाइम लगेगा मेरे को तो जाकर आने में। तो गाइस मैं अभी अभी ना एक केक दे रहा था और मेरे से हो गए एक नुकसान, तो दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये देखिए, ये शीशा था, आपको छोटे छोटे टुकड़े पड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये शीशा था, इस फ्रिज के ऊपर लगाया जाता था यहाँ पे, ताकि फ्रिज खोलते एकदम उसकी जो गैस है, मतलब जो ठंडक है, वो बाहर ना निकले। और मैंने वो उठा करके इस थोड़ा इस साइड रख दिया और इसका वजन ज़्यादा उस साइड हो गया और वो गिर गया, और गिरते ही शीशा गायब। मैंने देखा शीशा कहाँ गया, शीशा गया कहीं नहीं, शीशे के ना इतने छोटे छोटे पीस हो गए, देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे। मैंने सोचा ये बर्फ है, लेकिन ये बर्फ थोड़ी थी, ये सारा शीशा ही था, और शीशे का हाल हो गया ये तो, ये नुकसान हो गया आज। चलो कोई नहीं, बोलते हैं कि कुछ अनहोनी होती है, वो शीशे वगैरह टूट करके निकल जाती है, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई बात नहीं। तो अब इस शीशे को इकट्ठा करके कहीं दूर फेंकना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हो गए, इसको उठाना पड़ेगा। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे और मैंने कल की वीडियो का एंड नहीं किया था, तो कैसी लगी आप लोगों को आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।